हेलो एवरीवन वेलकम टू अ न्यू व्लॉग एंड आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल इफ यू आर न्यू हियर प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो सो आज का वीडियो होने वाला है कुछ डिफरेंट सो एज यू ऑल नो कि हम लोगों ने एक नया घर लिया है तो यू नो दिस आई वाज लॉन्गिंग टू डू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम बट उससे पहले मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोग यूके आते हो फ्रॉम एनी कंट्री बीट इंडिया और एनी अदर एशियन कंट्रीज आप सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और पहले कमेंट करो एंड देन कम बैक हियर टू सी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ तो आज uh, हम लोग अपने घर पे जेट स्प्रे इंस्टॉल करवा रहे हैं ओ माई गॉड मतलब मुझे ऐसा लगता है आई यूज टू मिस दिस लॉट वेन आई वैन आई शिफ्टड हेयर तो आज हम वो लगवाने वाले हैं बिकॉज वी आर नाउ द ओनर ऑफ द हाउस वी हैव द फ्रीडम कि हम कुछ भी अपने वॉशरूम्स वगैरह में करवा सकते हैं सो दैट गिवज अज अ फ्रीडम ऐसे तो ये फीलिंग बहुत म्यूचुअल होती है बट यू नो कैमरे पे आकर ये बोलना आई एम फीलिंग मेरे को बहुत शर्म आ रही है बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है बट आई शो यू कि ये प्रोसेस कैसा है कैसा हम करवा रहे हैं किससे करवा रहे हैं एंड वॉट ऑल इट नीड्स तो चलिए चलते हैं सो so, आप देख सकते हो काम स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी वॉशरूम में उसने आ, वाटर टैंक खोल कर और इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है हमने ना इस बंदे को आम, एक्चुअली रेफरेंस के थ्रू ढूंढा था इसने हमारी बिल्डिंग में काफ़ी लोगों का काम किया हुआ है सो वी थॉट वाई नॉट हायर हिम रादर देन टॉकिंग टू समन एल्स बिकॉज अफकोर्स सम वन हु कम्स फ्रॉम रेफरेंस डज द वर्क बेटर और हमें पता है कि कुछ गलत नहीं होने वाला है इसलिए या तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि हमने जेट स्प्रे कहाँ से ऑर्डर किया था सो so, हमने ना जेड स्प्रे अमेजोन से ऑर्डर किया था ऑफ़ कोर्स हमने इस बंदे को पहले ही बुला लिया था कि टू टू चेक कि कौन सा वाला सही होगा और हमने ना इसको पहले इसीलिए भी बुलाया था क्योंकि ये वाटर टैंक देख सकता है और कनेक्शन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं एंड हमने ना दोनों लगवाए हैं हॉट एंड कोल्ड मतलब दोनों पानी आएगा बेस्ड ऑन योर टेम्परेचर यू प्रेफर मुझे ना इतनी शर्म आ रही है बोलने में बट uh, मुझे लगा ये वीडियो बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ आई नो एवरी वन फील्स द डिफरेंस वेन यू कम हेयर एंड यू डू नॉट हैव अ जेट स्प्रे सो इसने ही हमें सजेस्ट किया कि आप ये थर्मो स्टैट वाला ऑर्डर कर दो जिसमें से हॉट एंड कोल्ड बोत आएगा पानी एंड सो so, ये वाटर टैंक से दोनों के पाइप्स कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर से कनेक्शन निकाल के उनको जोड़ के ये करेगा ऑफ कोर्स ये बहुत मेहनत का काम है और ये टाइल वाइल खोलनी पड़ेगी एंड सब कुछ तो मैं आपको ड्यूरिंग द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी कि इसने चार्जेस कितने लिए क्या लिए अभी तो फिलहाल वो कनेक्शन कर रहा है बट जब उसका कनेक्शन पूरा हो जाएगा सो आई विल शो यू हाउ इट लुक्स एंड मतलब ये बहुत सफाई से काम करता है जितना मैंने सुना है सो so, मैं इसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में डाल दूंगी सो so दैट अगर आपको भी ऐसा कुछ काम करवाना है तो आप इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हो क्योंकि इसने ना हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा काम किया है रिलेटिंग कर्टन फिटिंग्स और वॉशरूम फिटिंग्स वगैरह तो मुझे ऐसा लगा कि हमें किसी रेफरेंस वाले से ही जाना चाहिए क्योंकि वाटर सप्लाई अगर रुक गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई किसी बाहर वाले या बिना रेफरेंस को बुलाए तो प्रॉब्लम हो सकती है सो so इसीलिए सो so अब जब लग जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ सो so, एक वॉशरूम का यू नो बिडेट या जेट स्प्रे जो भी बोलो वो फिट करके चला गया है तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है आई नो मतलब मैं खुद को भी क्वेश्चन कर रही हूँ कि मैं इन चीज़ों से एक्साइट कैसे हो जा रही हूँ बट यू नो यू कैन अंडरस्टैंड आई थिंक पीपल हु हैव शिफ्टेड अब्रॉड कैन अंडरस्टैंड द खुशी मैंने आपको बिफोर फोटो तो दिखाई थी वॉशरूम की सो so, ये लग गया है हमारा जेट स्प्रे उसने काफी सफाई से काम किया उसने ये वाटर टैंक और टाइल खोला था ये सब वापस फिट कर दिया है सब कुछ बहुत सफाई से किया है सो so, अब जब दूसरे वॉशरूम में लगाएगा आई विल शो यू दैट हेलो गाइस हो गया है नेक्स्ट डे वो कल सिर्फ एक ही बिडेट इंस्टॉल कर पाया था एक वॉशरूम में सो so, आज वो आया है दूसरे वॉशरूम का करने सुबह से घर पे पानी नहीं है ऑफकोर्स बिकॉज उसने पानी का कनेक्शन uh, स्टॉप uh, कर रखा है बिकॉज ही इज़ इंस्टॉलिंग दैट सुबह से शाम हो गई है और जेट स्प्रे उसने दूसरे वॉशरूम में भी लगा दिया है मैं आप लोग को दिखाती हूँ सो so, ये वाला वॉशरूम ना एन सीट वॉशरूम है तो लिट बिट स्मॉलर देन द दे प्रीवियस वन और हमने जेट स्प्रे को इस तरफ लगाया है क्योंकि अगर इस तरफ लगवाते तो वो बेसिन के डायरेक्ट नीचे टच होता तो हमने इस तरफ लगाया है सो फाइनली जेट स्प्रे लग गया है दोनों वॉशरूम्स में um, मुझे ये वीडियो इसलिए भी बनाना था बिकॉज आई वॉन्टेड टू लेट यू नो कि यूके में अगर आपको जेट स्प्रे या बिडेट स्प्रे लगवाना है तो क्या कॉस्ट पड़ती है क्या लेबर पड़ता है कौन सा मटीरियल चाहिए एक्सेट्रा सो फर्स्टली अगर आपका खुद का घर है तो आप तो बिंदास इंस्टॉल करवा लो मुझे ऐसा लगता है इफ़ यू आर बाइंग अ न्यू प्रॉपर्टी वो जरूर बोलते हैं कि आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी ये वो बट आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट बिकॉज दिस इज समथिंग इज़ अ पर्सनल हाइजीन थिंग तो अगर हम इंडिया से आए हैं तो हमें हमेशा पानी से थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है सो आई वुड से यू कैन अभी अगर मैं बात करूँ कि कितना टाइम लगा सो so, ये जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास काम करने आया था उसको फुल टू डेज लगे बिकॉज एक तो वो अकेले काम करने आए थे एंड दूसरा इट वॉज़ हॉट एंड कोल्ड वाटर तो उसको दोनों पाइप से कनेक्शन करना था टाइल खुल के वापस लगानी थी सो so, आई थिंक उसने फर्स्ट डे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया विच वॉज़ अराउंड फाइव टू सिक्स आवर्स एंड दूसरे दिन जो आज है उसके लिए उसने आई थिंक स्पेंड किए कुछ अराउंड जल्दी हो गया थ्री फोर आवर्स उसके बीच में कोई पार्ट्स वो हो गए थे इसलिए उसको वापस जाना पड़ा एंड देन ही केम बैक इसलिए थोड़ा टाइम लग गया और इसने ना एक्चुअली हमारे साथ टाइम के हिसाब से रेट डिसाइड नहीं किया था ही डिसाइडेड बेस्ड ऑन कि मैं पर बाथरूम कितना लूँगा तो मैं अगर बात करूँ सो तो टाइम दो दिन लग गया दो वॉशरूम्स में इफ़ ही नोज बेटर एंड अगर उसको ऐसा है कि उसको बिल्डिंग का उसने बहुत पहले काम कर चुका है तो आई थिंक वो अभी नेक्स्ट टाइम किसी के पास करने जाएगा इसी सेम बिल्डिंग में तो उससे कम टाइम लगेगा तो दिस वॉज टाइम एंड सेकेंड वॉज हाउ मच डिड ही चार्ज सो एक्जैक्टली आई वुड टेल यू द रेंज तो उसने मुझसे चार्ज किए थे फोर थर्टी नाइन पाउंड फॉर बोथ द वॉशरूम्स एंड हाँ लेबर यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा मटीरियल से भी ज़्यादा लेबर का कॉस्ट है सो उसने मुझसे फ़ोर थर्टी फोर पाउंड लिए उसमें उसका मटीरियल भी खुद का था कुछ कुछ मटीरियल्स वो खुद से लेकर आया था उसने बस हमको जेट स्प्रे ऑर्डर करने के लिए बोला था एंड दैट ऑल ही ओनली रिकमेंडेड तो उसने फोर थर्टी फोर पाउंड लिए विथ लेबर एंड थोड़ा बहुत जो उसको मटीरियल उसके खुद से लगा आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द स्पेसिफिक्स एंड हमारा जो बीडर्ड स्प्रे आया था वो फोर्टी वन पाउंड पर बिडेड स्प्रे था वो हमने अमेजोन से लाया था तो वो मैं अमेज़ॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सो या अगर आपका खुद का घर नहीं है और रेंटेड है तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर जेट स्प्रे सो वन इज़ द इलेक्ट्रिक जेट स्प्रे जो पोर्टेबल होता है जो अमेजॉन में मिलता है इसकी तरह सो so वो आप ट्रैवल फ्रेंडली होता है वो आप यूज़ भी कर सकते हो एंड इट्स वेरी easy to go around with that and आपको वो it solves the purpose also and दूसरा होता है जो basin से connect होता है उसका भी मैं link amazon का मैं description box में डाल दूंगी अगर आप rented घर में हो तो of course आप खुद का install नहीं कर सकते and लैंड लॉड भी अलाउ नहीं करता एंड मुझे लगता है आप इतना खर्चा भी नहीं करना चाहोगे तो इसीलिए लोग बहुत बेसिन वाला भी लगाते हैं और अगर आप इंडिया से यहाँ ट्रैवल कर रहे हो तो कल मैं शार्क टैंक में देख रही थी एक बॉटम लाइन स्प्रेस करके एक कंपनी है जो अपना ये प्रोडक्ट पिच करके लाई थी आप उनकी इंस्टाग्राम या वेबसाइट जस्ट खोल के देख सकते हो उन्होंने बहुत पोर्टेबल बनाया है जिसको हुक में हुक से दीवार पे टांग सकते हैं वो स्टिक ऑन हुक्स आता है उसमें पानी भर के कर सकते हो सो या देर आर मेनी ऑप्शन अवेलेबल ये बॉटम लाइन स्प्रेज वाला जो मैंने बताया अगर आप इंडिया से सिर्फ घूमने आ रहे हो लाइक like यूरोप और इंडिया सॉरी मैं भी क्या बोल रही हूँ यूरोप और इंडिया यूरोप या फिर कोई भी बाहर के देश में जहाँ पे ये पानी नहीं होता टॉयलेट पेपर यूज होता है सो यू कैन टेक दैट हैंडी तो हाँ दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट की यू नो यूके में हमको अगर जेट स्प्रे इंस्टॉल करना है तो कैसे होता है क्या चार्जेस लगते हैं क्या टाइम लगता है सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल नेक्स्ट वन बाय